हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपने जो अभी धुन सुना, ये राग शिवरंजनी पर आधारित धुन है, बहुत ही मधुर धुन है। इसी को हम बजाना सीखेंगे आज। राग शिवरंजनी औड़ब जाति का एक राग है, जिसमें सा रे कोमल गा पा धा, ये पांच स्वर लगते हैं। सा रे कोमल गा पा धा, सा यहाँ लगाएंगे तो वही लगेंगे, रे यहाँ कोमल गा आएगा और लोअर ऑक्टेव में लगाएंगे तो पा धा वही। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा स्वर मैंने प्रयोग किया है, शुद्ध गा का भी प्रयोग किया थोड़ा सा। राग शिवरंजनी में इसको विवादी स्वर के नाते शुद्ध गा का भी प्रयोग किया है। कैसे बजाया है? लोअर ऑक्टेव के पा से पा धा सा रे गा रे पा गा रे धा सा, पा दा सा रे गा रे पा गा रे धा सा। एक पहले फ्रेज को दो बार बजाया, दूसरा फ्रेज मैंने प्रयोग किया पा दा सा रे गा रे, यही स्वर जो यहां प्रयोग किए वो ही पा दा सा रे गा रे, ये सेम स्वर है। अब यहां शुद्ध गा गा रे सा, शुद्ध गा कोमल गा रे सा, पा दा सा रे गा रे शुद्ध गा कोमल गा रे सा। तो ये फ्रेज भी दो बार बजाए पा दा सा रे गा गा रे सा, और उसके बाद में पा धा पा गा रे पा धा, तीसरा फ्रेज पा धा पा गा रे धा सा, ये भी दो बार प्रयोग किया। ये तीसरा फ्रेज पा धा पा गा रे धा सा, इस प्रकार से मैंने बजाया है। एक बार देखें तीनों फ्रेज पा धा सा रे गा रे, यहाँ पे पा धा सा रे गा पे कोमल गा पे एक मात्रा बढ़ाई, गा रे रे पे भी एक मात्रा बढ़ाया है। पा दा सा रे गा आ रे ए पा गा रे धा सा, यहाँ सा पे तीन मात्रा बढ़ाई पा गा रे धा सा। पा दा सा रे गा आ रे ए पा गा रे धा सा, यहाँ सा पे तीन मात्रा बढ़ाई है। दूसरा पेज में पा दा सा रे गा रे, यहाँ पे भी गा पे भी कोमल गा पे एक मात्रा, रे पे एक मात्रा, पा दा सा रे गा आ रे ए, फिर शुद्ध गा गया गा, यहाँ पे एक मात्रा गा गा रे सा गा गा रे सा, यहाँ गा पे एक मात्रा बढ़ा गा गा रे सा, शुद्ध गा कोमल गा रे सा। तीसरा फ्रेज मैंने प्रयोग किया है वो पा पा धा पा धा पा गा पा धा पा गा रे पा धा पा गा, और रे पे तीन मात्रा बढ़ाई पा धा पा गा रे पा धा पा गा रे ए ए ए, तीन मात्राएं पा गा रे धा सा पा गा रे धा, फिर सा पे मैंने यहाँ पे तीन मात्राएं बढ़ाई हैं। एक बार तीनों फ्रेज देखें से धुन कंप्लीट है। बहुत ही मधुर धुन है, कहीं पर भी स्टेज प्रोग्राम पे आप कहीं पर भी बजा सकते हैं।